नमस्कार, हरियाणा अपडेट में आपका स्वागत है। मैं विनोद शर्मा आज पहुंचा हूं कनीना में, आरएस वाटिका में। यहां पर थोड़ी देर में राव इंद्रजीत जो कि राज्य मंत्री हैं, केंद्र में सांसद हैं गुड़गांव से, और अभी सीताराम यादव जो अटली विधानसभा से प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनके समर्थन के लिए, उनके लिए वोट मांगने के लिए यहाँ अपील करने के लिए लोगों के बीच में आएंगे। लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ चुका है, धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। तो हम कुछ लोगों से जानेंगे कि किस प्रकार से उनकी तैयारियां हैं। कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं, मैं जानना चाहूंगा। यहां पर महिलाएं हैं कुछ, धीरे धीरे जी बैठे। क्या नाम क्या है आपका? सरिता भारद्वाज, महिला मोर्चा से महामंत्री। बीजेपी संगठन से जुड़ी हैं आप? बीजेपी से जुड़ी हैं? हाँ जी। पोजीशन पर हैं आप, एक लेवल पर हैं, आपका एक पद है बीजेपी में। क्या लगता है बीजेपी अब की बार अटली विधानसभा से कितने मतों से जीत पाएगी, कितनी लीड बना पाएगी? अब की बार बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अटली विधानसभा से, लोग 75 पार का नारा दे रहे हैं लेकिन 85 पार जाएगी, और यहाँ पे सीताराम जी की बहुत बढ़त से जीत होगी। और इनके आने से, राव इंद्रजीत जी के आने से, और कल जो मोदी जी दादरी में रैली की थी उनके आने से बहुत लोगों पे प्रभाव पड़ा है, अच्छी जीत होगी। मेरा नाम अरुणा कौशिक, मैं महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष हूँ कनीना से। क्या लगता है कनीना लीड बना के देगा अटली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी लीडर को? बहुत भारी लीड बना कर देगा, और कम से कम 70,000 वोटों से जीत होगी सीताराम जी की। लोग कह रहे हैं हरियाणा में अगर सबसे बड़ी जीत होगी तो एक किसान के बेटे की होगी, क्या ये बात सच है? यस, बिल्कुल सच है। महिलाएं किस प्रकार से प्लानिंग किए हुए हैं, किस प्रकार से जिताने की उनकी तैयारियां हैं बीजेपी प्रत्याशी सीताराम यादव को? महिला हर गांव में डोर टू डोर जा रही हैं और अधिक से अधिक अपने वोट जोड़ रही हैं, टोटली महिलाओं के वोट ले रही है महिलाओं का। क्या लगता है यहाँ पर आज राव साहब आ रहे हैं, उनकी रैली से फर्क पड़ेगा, वोट जो है वो ज्यादा जुड़ पाएंगे? कनीना में काफी लोकप्रिय है इंद्रजीत जी, तो उनका काफी अच्छा असर होगा इस पर। चलिए अभी यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कृष्णा यादव, सीओ से, जिला उपाध्यक्ष, और वैसे मैं प्रभारी भी हूँ कनीना मंडल से, बूथ पर प्रमुख। क्या लगता है बढ़िया वोटों से जीत पाएंगे? हाँ जी, काफी वोटों से जीत लेंगे सीताराम। आज यहाँ पर महिलाओं की संख्या काफी कम है, क्या बात है? इन्होंने हमें बताया नहीं कि लेडीज भी ले आनी है, नहीं तो हम ताकि भारी जनता लेकर के इतना बात नहीं, तो आप भी काफी लफड़ा करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, हम ज्यादा से ज्यादा लेडीजों को यहाँ लाने की कोशिश करते हैं। आंटी क्या लगता है जीत पाएंगे सीताराम यादव? हाँ, विशेष भारी बहुमत से। यहाँ जी आप कनीना से हैं? हाँ, कनीना से जी। क्या लगता है सीताराम यादव जीत पाएंगे अब की बार? बढ़िया, खूब अच्छी वोटों से जीतेगा, 1,00,000 तक। यहाँ पर महिलाओं की संख्या काफी कम है, क्या कहेंगे? महिलाएं इनकी तरफ रुझान नहीं है या रुझान नहीं पहुँची? खेती का काम कर रही है जी, इसलिए नहीं आई। इसलिए नहीं आई, बढ़िया काम कर रही है। क्या लगता है जीत पाएंगे? जीत पाएंगे सीताराम? सीताराम पूरा बहुमत। क्या लगता है टक्कर किससे रहेगी? तो सीताराम जी की तो टक्कर में कोई है ही नहीं, टक्कर नहीं है नहीं। यहाँ पर क्या नाम है गुड़िया? क्या नाम है आपका? वोट बन गया आपका? बन रखा है, अगर बना होता तो किसको डालते? क्या कारण है बैठा लिया है कि सीताराम यादव को जिताना है? यहाँ पर मौजूद हैं आप, पहले तो ये बताएं महिलाओं का एक अलग स्पेस बना है यहाँ पर आके, किस लिए बैठे हैं? ये माननीय श्री राव इंद्रजीत जी के भाषण सुनने के लिए बैठे हैं, और सीताराम जी की बहुत भारी मतों जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। जी, क्या कहेंगे? हाँ जी, जीत होगी नहीं होगी? जीत होगी जी, 42,000 से जीतेंगे सीताराम को। ये क्या लेके आए? गुलदस्ता राव इंद्रजीत के लिए समर्पित करेंगे। यहाँ पर लोग स्वागत के लिए जुटे हुए हैं, मैं जानना चाहूंगा क्या नाम है आपका? बीजेपी 80% वोटों से विजयी है, 80% वोटों से राव इंद्रजीत की वजह थी। फर्क पड़ेगा राव इंद्रजीत जी के आने से? हाँ पड़ेगा, बहुत ज्यादा पड़ेगा। और कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ, अभी कनीना मंडल बीजेपी के अध्यक्ष हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा यहाँ पर जो भीड़ जुटाई है इन्होंने कनीना और आसपास के गांव की, क्या लग रहा है ये जोश है, ये जीत में फर्क डालेगा, कुछ ज्यादा वोट बढ़ के आएंगे? हाँ, ये
जनता का जो हुजूम दिख रहा है ये पूरे जोश के साथ यहाँ आए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं श्री सीताराम जी यादव के लिए के नाम से राव साहब की रैली के मैयार हैं और ये बहुत भारी जोश और जुनून के साथ यहाँ पहुँचे। राव साहब के आने से फर्क पड़ेगा वोटों राव साहब के आने हाँ राव साहब के आने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। पूरा इलाका राव साहब के लिए समर्पित है और जो राव साहब जो कहेंगे वो पूरा इलाका उसको मानने के लिए तैयार है। जीत क्लियर मान के चल रहे हैं। जी बहुत भारी बहुमत से हम चुनाव जीत रहे हैं। कम से कम 50,000 के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं अटली विधानसभा से, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखो देखो जी हाँ जी क्या कहेंगे बाबा, जीत लग रही है सीताराम यादव की 100% जीत है। 370 के वजह से मोहर लग रही है साथ। जी हाँ देश हित में पूरा प्रोग्राम हाँ कोई पार्टी वेश नहीं, देश हित के अंदर मोदी का जो कारनामा सुन की वजह से। तो ये चुनाव तो हरियाणा के चुनाव है हाँ। ये देश में राव इंद्रजीत और बीजेपी ये तो है ही सपोर्ट में, बाकी मेन मुद्दा मोदी प्रधानमंत्री उसके वजह से मौत हो गई उसके काम होगी। यहाँ पर और लोग मौजूद हैं तो जाने की कोशिश करूँगा थोड़ा। जी आज किस किस स्पोर्ट में यहाँ किसको सुनने आए हैं? श्री सीताराम जी के स्पोर्ट में रविंद्र जीत सिंह सुनने दिया। क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फर्क पड़ेगा रविंद्र बहुत ज्यादा बढ़िया से बहुत वोटों में हमारे दक्षिण हरियाणा में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जी क्या मानते हैं राव इंद्रजीत जी जिसकी तरफ हो जाते हैं वो जीत जाता है? क्लियर है इसमें तो कहीं क्लियर नहीं। राव साहब का इतना दबदबा है उसका इतना पड़े है कि लोग अपने आप आते हैं उसके। बाबा आप बुजुर्ग भी हैं, मैं जानना चाहूंगा क्यों इतना फर्क पड़ जाता है, क्यों जीत जाता है हर प्रत्याशी राव इंद्रजीत के आ जाने से, क्यों है इतना दबदबा, क्या कारण है? भाई उनका अच्छा काम, अच्छा काम इंद्रजीत जाट हीर नहीं समझा, अच्छा बड है सबको फैसलों का आदेश हर चीज। क्या लग रहा है सीताराम जी जीत जाएंगे? सीताराम तो यहाँ पर जी क्या लग रहा है जीत होगी? राव साहब ईमानदार है, सच्चे हैं, जिस पार्टी के साथ जुड़ते ईमानदारी से काम करते हैं और जो ईमानदारी से काम करेगा उसका कैंडिडेट भी कामयाब होगा और उससे जनता भी खुश होगी। राव साहब का प्रभाव इसीलिए अच्छा है, अब वो शुरू से लेकर आखिरी तक ईमानदारी के साथ रहते हैं और किसी बेईमान और भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करते। जी पगड़ी पहने बैठे हैं स्वागत के लिए, पगड़ी ये लेके आए हैं, किनको पहनाएंगे? राव साहब को। राव साहब को इतना प्यार क्यों है राव साहब से? सही आदमी, सही आदमी है इसलिए इतना लगाव है सबके लिए, सबके लिए अच्छा, कोई जो है अभाव कोई जात में नहीं, सबके लिए प्यार। क्या कहेंगे इंद्रजीत बहुत अच्छा आदमी, इसकी पार्टी में कोई दाग नहीं है, हम बीजेपी के साथ हैं सदा से, बीजेपी के साथ रहेंगे। इंद्रजीत बहुत बड़ी आदमी है, पार्टी में दाग नहीं इसके लग रहा। बाबा क्या जीत के लिए क्या लग रहा है, जीत जाएंगे? टक्कर किससे मान के चल रहे सीताराम? टक्कर किसी से भी नहीं है, टक्कर सीताराम अकेला एक और टक्कर नहीं है। यहाँ पर आज प्रोग्राम करवाया जा रहा है राव इंद्रजीत जी का, उससे पहले यहाँ पर कलाकार आए हैं, मनोरंजन हो पा रहा है आपका? बढ़िया मजे आ रहे हैं। क्या लग रहा है इस मनोरंजन से फर्क पड़ेगा? इससे वो वैसे फर्क वैसे नहीं, वैसे भी सरकार बीजेपी की बननी है, बीजेपी की बननी है। क्या मान रहे हो, जीत पक्की है क्या? आज जीत पक्की है। आप सपोर्ट कर रहे हो सीताराम? मैं 20 साल से हूँ बीजेपी कार्यकर्ता हूँ। क्या कहेंगे जीत होगी? जीत होगी सीताराम यादव, जीत है आज पक्का जीत है। यहाँ पे किसके कहने से आए हैं, कोई प्रेशर है या मन से वोट डालना चाहते हैं सीताराम यादव? किसी के दबाव में नहीं, बीजेपी की वोट है, किसी के दबाव में वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी, कैंडिडेट को देख के वोट नहीं डाल रहे, वोट फॉर बीजेपी। क्या कहेंगे बाबा?
जीत होगी, है जीत जाएंगे जनता पार्टी, तेलंगाना में यादव जीत पाएंगे, बिल्कुल जीत पाएंगे। आपने देखा कुर्सियां लगभग यहाँ 2000 के आसपास कुर्सियां हैं और धीरे धीरे भर रही हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर इनके प्रिय नेता पहुँचेंगे, उनको सुनने के लिए ये लोग बैठे हैं। तब तक इनका परफॉर्मेंस है, जो मनोरंजन का कार्य चल रहा है वो यहाँ पर लोग उसका आनंद उठा रहे हैं। देखते हैं सीताराम यादव जीत पाते हैं या फिर टक्कर रहेगी, कैसा मुकाबला रहेगा। 24 तारीख का वेट कीजिएगा, तब तक आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि जीत किसकी होगी।